टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। NCDX पर जनवरी महीने में 3400 का लेवल देखने को मिला था, लेकिन वहां पर कीमतें स्टे नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला है, जो कि अभी तक जारी है। इस बार कपास का उत्पादन कम ही बताया जा रहा है। CAI यानी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी अपने कपास उत्पादन के अनुमान में कटौती की है। CAI ने अपना कपास का उत्पादन घटाकर 348 लाख गांठ का कर दिया है। कम उत्पादन के चलते खल का जो स्टॉक है वो भी कम ही बताया जा रहा है, जिससे आगे कीमतों को सहारा मिल सकता है। बिनौला खल पर केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि बिनौला खल ने 3400 का लेवल दिखाने के बाद एक सीमित दायरे में किया है। CAI ने कपास उत्पादन अनुमान घटाकर 348 लाख गांठ कर दिया है। वहीं हाजिर में कोई भी कारोबारी 320 लाख गांठों से ज्यादा का उत्पादन नहीं बता रहा है। खल का स्टॉक कम है, डेयरी और पोल्ट्री उद्योग में मांग निकलने की उम्मीद है। अजय केडिया के मुताबिक फरवरी वायदे में विनोला खल की कीमतें 3000 से 3400 तक के सीमित दायरे में देखने को मिल सकती है। अजय केडिया के अनुसार 12 फरवरी तक मार्केट ऐसे ही सीमित दायरे में देखने को मिलेगा। उनके अनुसार 12 फरवरी काफी अहम रहेगा बिनौला खल की तेजी मंदी के लिए। अजय केडिया का कहना है कि बिनौला खल में अच्छी तेजी अभी देखने को मिलेगी, जब कीमतें 3400 का लेवल तोड़ेगी। 3400 का लेवल टूटने पर फरवरी वायदे में 3500 से 3600 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे, वहीं मार्च में 4000 का स्तर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।